स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 10 का ही सेकेंड एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 38, जिसमें आपको पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन का राउंडिंग। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन का राउंडिंग कैसे होता है, सबसे पहले तो हम रिमाइंड करवा देते हैं आपको कि डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर को काउंट कैसे करते हैं। जैसे 7, 4, 3, 4, 6, 8, 9 समथिंग ऐसे। ठीक है, तो कैसे काउंट करते हैं, इसको तो 743 बोलते हैं, पॉइंट इसको पॉइंट बोलते हैं, 4, 6, 8, 9 ऐसे काउंट करते हैं। बट ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट डिजिट डेसिमल का फर्स्ट डिजिट, इसको 10 बोलते हैं, टेंस। ये जो आपका सेकंड है 6, इस 100th प्लेस पर है 100th, ये आपका 1000, 1000 और ये आपका 10000। इस टाइप से लास्ट में THS आपका ऐड होता है। ओके, अब जानते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन है आपका फर्स्ट है, इसमें पॉइंट है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वन। नियरेस्ट वन कैसे करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हम लिए हैं 7.4, तो इसमें 7.4 नियरेस्ट अगर वन रहेगा, आपको 10th प्लेस के डिजिट को देखना है। 10th प्लेस के डिजिट यहाँ पर अगर 5 से छोटा हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये है, तो आपको बस इसको 0 में कन्वर्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। अगर ये 5 और 5 से बड़ा है तो क्या करना है, आपको प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ क्या लिखना है आपको, डिजिट ऑफ 10th प्लेस आपको किस तरह से बनाना है ये देखना है। डिजिट ऑफ 10th प्लेस इज 4, दैट इज 4 जो है वो 5 से छोटा है, सो द राउंडेड नंबर, सो द राउंडेड नंबर ऑफ 7.4 इज इस क्या हो जाएगा, 7.0, ये आपका 0 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं 40.08, इसमें भी आपको क्या देखना है, 10th प्लेस के डिजिट को देखना है, इसको देखना है। तो अगर ये आपका 5 से छोटा है तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, 0, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको नियरेस्ट 1 प्लेसेस को देखना है। तो आप इसको भी उसी टाइप से बनाओगे, डिजिट ऑफ 10th प्लेस इज 0, दैट इज 0 क्या है आपका, 5 से छोटा है, सो द राउंडेड नंबर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, 14.00। ठीक है, अब है नियर राउंडिंग ऑफ टू वन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। वन प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपको यहाँ पर है, वन प्लेसेस ऑफ डेसिमल, उसके बाद आएगा टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, फिर थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले मैं वन प्लेसेस ऑफ डेसिमल में क्या है, क्या करना है आपको, जैसे क्वेश्चन है 23.67, तो वन प्लेसेस का डेसिमल इट मीन्स आपको 100th प्लेसेस के डिजिट को देखना है। यहाँ पर लिखेंगे डिजिट ऑफ 100th प्लेसेस इज, 100 प्लेसेस के डिजिट प्लेस पर डिजिट आपका क्या है, 7, दैट इज 7 इज ग्रेटर देन 5, सो द राउंडेड नंबर इज क्या हो जाएगा, जब ये 5 से बड़ा है तो आपके आगे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 23.70, और 100th प्लेस वाले डिजिट आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10th प्लेसेस का डिजिट में प्लस 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी यही हो जाएगा आपका, 11.047, इसमें क्या करना है, इसमें आपको 1 प्लेसेस के डेसिमल को देखना है, यानी कि 100th वाले को। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिजिट ऑफ 100th प्लेस इज 4, दैट इज 4 जो है वो 5 से छोटा होता है, सो द राउंडेड नंबर इज
बाउंड्री नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 से छोटा है यानी कि ये 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा 11.000, इसको आप 11 भी राइट कर सकते हो। तो आपको इस टाइप से बनाना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नियरेस्ट वन है या नियरेस्ट वन प्लेसेस ऑफ डिजिट है, और उसके बाद अगर टू प्लेसेस का डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे। टू प्लेसेस के डिजिट में क्वेश्चन 6, 4, 5, 3, 2 आपको वन प्लेसेस के डिजिट में आप 100 प्लेसेस के डिजिट को देखो, तो टू प्लेसेस के डिजिट में आप कौन से प्लेस के डिजिट को देखना है, 1000 प्लेसेस के, ये 10, 100, 1000 आपको यहाँ पर इस टाइप से बनाना है डिजिट ऑफ 1000 प्लेसेस इज 2, दैट इज 2 जो है वो 5 से छोटा है, सो द राउंडेड नंबर इज क्या हो जाएगा, ये जब 5 से छोटा हो गया तो ये आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंडेड नंबर इज 6.430। अगर वो 5 और 5 से बड़ा होता तो आगे वाला में इंक्रीज करता, बाकी में जीरो कन्वर्ट हो जाता, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं आप सारे को। उसके थ्री प्लेसेस के डिजिट अगर रहेगा, थ्री प्लेसेस का डिजिट तो वो कैसे बनाना है, क्वेश्चन है 150.3469 यहाँ पर अगर थ्री प्लेसेस का डिजिट है तो यानी कि 10, 100, 1000 and 10000 वाले प्लेसेस को देखना है आपको, यहाँ पर के लास्ट वाले को, यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे डिजिट ऑफ 10, डिजिट ऑफ 10000 प्लेसेस इज 9, दैट इज 9 क्या है आपका 5 से बड़ा है, सो द राउंडेड नंबर इज क्या हो जाएगा, राउंडेड नंबर आपका जब ये 5 से बड़ा है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी 5 से बड़ा है ये तो क्या हो जाएगा, आगे वाला इसका एक इंक्रीज करेगा 3, 4, 7 पूरा इसमें लिखना है 150.3470। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका जीरो को लास्ट में आप इसके बाद यहाँ पर सो करने के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 140.347 क्योंकि पॉइंट पर जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि डिवाइड 40.156 बाय 9, अगर किसी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन राइट करना है कम से कम दो प्लेसेस के डेसिमल करेक्ट, टू प्लेसेस, तो इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन है आपका डिवाइड वाला, यहाँ क्वेश्चन है आपका 40.156, इसको आपको डिवाइड देना है 9 से, 9 से डिवाइड दीजिए 40.156, 9 4 जा 36, 4 ये कट हो गया, अब ये डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, 1 राइट करेंगे, 9 4 जा 36, 11 में से 6 गया, यहाँ से 5 उतरेगा आपका, 9 5 जा 9 6 जा 54, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 6 उतरेगा आपको, तो आपका 6 उतरेगा, आपका काम यहीं पर ख़त्म होगी क्योंकि हमको डेसिमल के बाद दो ही प्लेस को शो करना है, डेसिमल के बाद दो ही प्लेसेस को शो करना है। तो यही आप यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 4.46, ये आपका दो प्लेसेस हो गया डेसिमल का, दो प्लेसेस हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन भी है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी आपको ऐसे ही बनाना है आपको, यानी कि 11/5 से आपको 11 को डिवाइड देना है और डेसिमल 3 प्लेसेस तक निकालना है, यहाँ 2 प्लेसेस तक निकाले थे, अब यहाँ
थ्री प्लेसेस का निकालना है। जैसे फर्स्ट है आपका 11/5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 से हम 11 को डिवाइड देंगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, पॉइंट देंगे, 0 राइट करेंगे, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर तो आपका पूरा का पूरा ये कट गया, तो ये तो वन ही प्लेसेस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 00 हम पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 3 प्लेसेस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore 11/5 equal to 2.200। हम अगर 0 डेसिमल के बाद 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, 0 की वैल्यू नहीं होती है। जैसे यहाँ पर बुक में क्वेश्चन था 11/15, इसको भी देख लेते हैं। 11/15 है तो 15 है, यानी कि 15 से आपको 11 को डिवाइड देना है। अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिवाइडेंड जो है वो छोटा है डिवाइजर से, तो यहाँ पॉइंट पुट किए तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। अब क्या हो गया, 56 जा 90, 57 जा 105, 5 गया, ये आपका 0 कट हो गया, पॉइंट के बदले यहाँ 0 पुट करेंगे, 53 जा 45, ये आपका 5 कट गया, फिर पॉइंट के बदले यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर से अगेन 53 जा 45, ये आपका डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ गए, यानी कि 11/15 इक्वल टू 0.733। उसी टाइप से दूसरा जो क्वेश्चन है बी का 2/5/13, इसको आप पहले सॉल्व कर लो, ये मिस फ्रैक्शन में गिवन है, 13 2 जा 26 और प्लस 5 यानी कि 31/30। अब ये 13 से आपको 31 को डिवाइड देना है, 13 2 जा 26, 11 में से 6 जाएगा 5, ये आपको डेसिमल पुट कीजिए, यहाँ 0 कीजिए, 13 4 जा 52, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 जा लगाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 4 में से 3 गया 1। अब ये यहाँ पर डेसिमल पुट यहाँ पर 0 करेंगे, आप बताइए कितने टाइम्स में लगेगा, थर्टीन 7 जा 91, यहाँ हो गया आपका 9, ये आपका बच गया 10 में से 1, 19 ज्यादा हो गया, यहाँ 8 टाइम्स में लगाइए, 13 8 जा 104, ये लगेगा आपका, 10 में से 6 जाएगा 4, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ डेसिमल पुट है, यहाँ पर 1 0 पुट कीजिए, अब फिर से लगाना है, यहाँ पर कितना लगाएंगे, 13 4 जा 52, ये हो गया 8, ये कट गया। अब तो डेसिमल को 3 ही प्लेस का निकालना है, इसलिए निकल गया हमारा 2 5 by 30 equal to 31 by 30 equal to 5.384। इस टाइप से आप जो भी हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए यहाँ पर, जो आपके एक्सरसाइज 38 में है, जो भी सबका टाइप शो किए, इसलिए सारा क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।